ये देखिए मम्मा ने ग्रीन चिली भी लगा रखी है, बट ये रेड हो गई है। गुड इवनिंग एंड खमागणी, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज रीना। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आज मैं बात करना चाहती हूँ एक्सपेक्टेशंस मींस उम्मीद। हमारी लाइफ में उम्मीद बहुत सारे लोगों से रखते हैं, सब लोगों से नहीं बट कुछ लोगों से तो रखते ही रखते, जैसे माँ हुई, डैडी हुए, पति हुआ, बच्चे हुए। बट मैंने अपनी लाइफ में ये एनालिसिस किया है आफ्टर मैरिज, किसी से उम्मीद रखना मीन्स अपने आप को दुखी पहुंचाना है। तो मैंने तो स्टार्ट कर दिया है अब किसी से उम्मीद ना रखना, मैं किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती हूँ। तो आप भी कभी ट्राई कीजिएगा, बगैर एक्सपेक्टेशंस रखे आप ज़्यादा खुश रह सकते हो। किसी से एक्सपेक्टेशंस लगाओगे तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो आज के लिए यही मोटिवेशनल बोलना चाहती हूँ मैं, जो कि मेरे साथ हुआ है और हो रहा है। आप भी ट्राई कीजिए कभी। अरबी की सब्ज़ी बना ली जाए, बिकॉज दाल मेरे डैडी खाते नहीं हैं, तो हमने अरबी की सब्ज़ी बनाई। बेसन में जीरा, अजवाइन, मिर्ची, हल्दी, नमक और उसका एक पेस्ट बना लिया अच्छा सा, और अरबी को लगा के उसके ऊपर फैला दिया मोटा मोटा। फैलाने के बाद उसको हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद उसको स्टीम करेंगे स्टीमर में। तो हमने होममेड स्टीमर बनाया है और उसमें इसको हम डाल देंगे स्टीम के लिए, स्टीम हो जाएगी। इतने में हमारे गणपति बाबा का भी आगमन हुआ। उसके बाद हमने उसको तल लिया, फिर तेल लिया, तेल में जीरा, लहसुन, प्याज, उसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमको पकाना है। फिर गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद उसमें हल्दी, नमक, मिर्ची, हरा धनिया पिसा हुआ, धनिया पाउडर, ये सब डाल के और पानी डाल के थोड़ा उसको पका लेना है। मसाला पकने के बाद अरबी डाल के उसको पका लेना है। कुश का सैलेड बन गया, आटा लग गया, दाल बन गई, जीरा राइस बन गया। मैं खाना बना रही थी तो भाभी सा ने प्रिपरेशन की, स्थापना की गणपति जी के। माता